Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हाय फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आपको 12th के 50 मार्क्स इंग्लिश के लास्ट लेसन डेविड कॉपरफील्ड में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 21 से लेकर के 30 तक ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। इसके पहले वाला चैप्टर आपको अपलोड किया जा चुका है। अगर पिछले चैप्टर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछला चैप्टर देख लीजिए, ताकि ये चैप्टर आपको ठीक तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। डेविड एंड स्ट्रीटफोर्ड लीव फॉर एयरमाउथ एंड अराइविंग लेट स्पेंड द नाइट एट सराय। डेविड और स्ट्रीटफोर्ड एयरमाउथ के लिए निकल जाते हैं। काफी देर हो जाने की वजह से वो सराय में रुक जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग डेविड गोज एलोन टू मीट पेगुटी एंड बार्किस। अगले दिन डेविड अकेले ही पेगुटी और बार्किस से मिलने के लिए जाते हैं। एट फर्स्ट पेगुटी फेल टू रिकॉग्नाइज हिम। सबसे पहले पेगुटी उनको पहचानने से इनकार कर देती है, पहचान नहीं पाती है वो उनको। सी टेक्स डेविड अप स्टेयर टू सी बार्किस हु इज इनवाइटेड एंड कन्फाइंड टू बेड। उसके बाद से पेगुटी उनको लेकर के ऊपर जाती है बार्किस से मिलवाने के लिए, जो बिल्कुल बीमार और बिल्कुल एकदम बेकार पड़े हुए हैं बिस्तर पे। स्ट्रीटफोर्ड अराइव ए लिटिल लेटर एंड आफ्टर डिनर ही एंड डेविड गो फॉर ए वॉक अलोंग द सी शोर। डिनर के बाद स्ट्रीटफोर्ड और डेविड दोनों लोग जो है सी शोर के यानी कि समुद्र किनारे वो लोग टहलने के लिए जाते हैं। As they walk along, Streetford said that the sea roared as if it were hungry for them. टहलने के दौरान स्ट्रीटफोर्ड के मन में एक कमेंट आता है उस समुद्र को देख करके, उसमें उसकी लहरों को देख करके। स्ट्रीटफोर्ड बोलते हैं कि ये ऐसे गरज रहा है जैसे ये समुद्र जो है हम लोगों का शिकार करना चाह रहा हो। ओके, उसके बाद से क्या होता है, दे एराइव एट द एंगेजमेंट बिटवीन लिटिल एमली एंड हेम इज बीइंग अनाउंस्ड। वो लोग लिटिल एमली और हेम का सगाई का अनाउंसमेंट होने वाला होता है, वहां वे लोग पहुंचते हैं सगाई में। डेविड एंड स्ट्रीटफोर्ड आर वेलकम टू द सेलिब्रेशन एंड व्हेन डेविड लीव ही टेल्स डेविड दैट हिम इज अ रेदर ए चकल हेडेड फेलो फॉर द गर्ल्स इजंट ही। सेलिब्रेशन में उन लोगों का काफी अच्छा तरीके से स्वागत किया जाता है, लेकिन वहां से निकलने से पहले, सेलिब्रेशन से निकलने से पहले स्ट्रीटफोर्ड डेविड से बोलते हैं कि हैम लड़कियों के मैटर में थोड़ा सरफिरा आदमी है ना। डेविड फील्स द रिमार्क्स इज ऑन कार्ड। डेविड इस बात को ये समझ जाते हैं कि उसने मजाक किया हुआ है, उनके आंखों में देख करके इस बात को वो मजाक समझते हैं कि डेविड जो है स्ट्रीटफोर्ड ये मजाक में ये बात बोला हुआ है। ओके, ड्यूरिंग द विजिट विच लास्ट फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह के विजिट के दौरान, भ्रमण के दौरान स्ट्रीटफोर्ड स्पेंड ए गुड डील ऑफ टाइम बोटिंग विद मिस पेगुटी। स्ट्रीटफोर्ड पेगुटी के साथ खूब बोटिंग करते हैं वो। आफ्टर विजिटिंग हिज ओल्ड होम एट ब्लंडरस्टोन डेविड फाइंड स्ट्रीटफोर्ड इज ए डिपोडेंट मूड वीसी। इसके बाद से डेविड अपने पुराने घर ब्लंडरस्टोन को विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद वहां पे पाते हैं कि स्ट्रीटफोर्ड काफी एकदम गंभीर मूड में है। विद ऑल माई सोल आई कुड गाइड माई सेल्फ बेटर। वो अब दुआ करता है कि पूरी आत्मा के साथ वो करके उसे खुद को अपने आप को गाइड करना पड़ा था। वेरी स्ट्रेंजली तब तक एक अजनबी वी फाइंड लिटिल एमली क्राइंग टू। अचानक जो है लिटिल एमली को रोते हुए आवाज सुनाई देता है, आई एम नॉट एज गुड एज आई ऑट टू बी। मैं उतना अच्छा लड़की नहीं हूँ जितना अच्छा मुझे होना चाहिए, मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। लिटिल एमली खुद से बोलती है वो, नॉट नियर मतलब एक अच्छी लड़की होने के करीब भी मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसके करीब नहीं हूँ, एक अच्छी लड़की मैं नहीं हूँ। एंड बेट्सी सजेस्ट दैट डेविड शुड कंसिडर एज ए करियर एज ए सोलिसिटर एंड ही ज्वाइन द ऑफिस
ऑफ मार्स एस्पिनलॉ एंड जॉर्किंस। उनकी जो ऑन्ट होती है बेट्सी ट्रॉटवुड, वो डेविड को सजेस्ट करती है अपने करियर को लेकर के, करियर को लेकर के वो कि वो सोलिसिटर बनने के लिए उनको उनको बोलती है। तो वो क्या करते हैं कि मार्स स्पिनलॉ और जॉर्किंस के ऑफिस जो होता है वो ज्वाइन कर जाते हैं। ही इज प्रोवाइडेड सम रूम क्लोज टू द ऑफिस। उनको एक ऑफिस के बगल में ही उनको एक रूम दिया जाता है, कमरे दिया जाता है। एंड वन डे ही इनवाइट्स स्ट्रीटफोर्ड एंड टू ऑफ हिज ऑक्सफोर्ड फ्रेंड टू डिनर। और एक दिन क्या होता है कि डेविड को और दो उनके ऑक्सफोर्ड फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया जाता है। ओके, दे हैव ए जॉली गुड टाइम बट एट द एंड ऑफ द इवनिंग डेविड इज ए क्वाइट ड्रंक। काफी उन लोगों के लिए अच्छा, काफी अच्छा समय होता है, इंजॉय कर रहे होते हैं वो लोग, और इवनिंग के समय में डेविड भी थोड़ा बहुत तो ड्रिंक कर लेते हैं। ओके, टू डेज लेटर, दो दिन बाद डेविड रिसीव लेटर फ्रॉम एग्नेस। दो दिन के बाद जो है एग्नेस विकफील्ड का, एग्नेस का लेटर पाते हैं आस्किंग हिम टू सी हर, और वो उसे मिलने के लिए बोलते हैं। सी टेल्स डेविड टू बी केयरफुल विद स्ट्रीट फूड, और वो डेविड से बोलती है कि स्ट्रीट फूड से काफी केयरफुल रहे, एकदम सावधान रहने के लिए एग्नेस विकफील्ड बोलती है डेविड से। सी ऑल्सो एक्सप्रेस हर ग्रोइंग फियर अबाउट यूरिया हीप हु इज ट्राइंग टू बिकम मिस्टर विकफील्ड पार्टनर, और वो अपने डर के बारे में भी बताती है कि उसका दिन पर दिन जो है डर जो है यूरिया हीप के प्रति बढ़ता जा रहा है। वो अपने पिता के पार्टनर्स बनने को लेकर के कि ऐसा ना हो कि एक दिन यूरिया हीप मेरे पिता को किल कर दे या कुछ ऐसी उसके साथ घटना कर दे और वो पूरा बिजनेस का पार्टनर वो अकेले ही बन जाए यूरिया हीप। डेविड गेट वेरी एंग्री, काफी नाराज हो जाते हैं ऐसे सुनकर के, कोई भी नाराज हो जाएगा। ओके, बट एग्नेस टेल्स हिम टू बी नाइस टू यूरिया हीप बिकॉज अदरवाइज ही माइट टेक फर्दर एडवांटेज ऑफ हिज फादर्स वीकनेस। काफी उनको गुस्सा आता है ये सुनकर के, लेकिन एग्नेस समझाती है कि धीरे से काम लो, क्योंकि अगर आपने धीरे से काम अगर नहीं लोगे तो यूरिया हीप हमारे पिता का जो भी वीकनेस है उसकी कमजोरियों का वो बहुत जल्द फायदा उठा लेगा एंड हार्म हिम, और उनको काफी तकलीफ पहुंचा देगा। डेविड अटेंड ए पार्टी एट मिस्टर वाटरब्रोक्स एंड मीट यूरिया हीप देयर। एक पार्टी अटेंड करते हैं डेविड वाटरब्रुक का और वहां पे यूरिया हीप से मिलते हैं। व्हाइल डेविड इज विद एग्नेस, और डेविड जो है एग्नेस के साथ होते हैं। ओके, ही सेंस यूरियास शेडलेस आई एंड कैडेवरस फेस। काफी उसका चेहरा जो है काफी उतावला होता है। टू बी लुकिंग गॉन्टली डाउन फ्रॉम बिहाइंड। ओके, एट फर्स्ट डेविड इज होस्टाइल बट देन रिमेम्बर एग्नेस एडवाइज टू बी नाइस टू यूरिया हीप फॉर डिप्लोमेटिक रीजन। डेविड उसको देखते ही काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उसी समय एग्नेस का बात उसको याद आता है डेविड को कि नहीं, वो एग्नेस बोली है कि यूरिया हीप के साथ काफी पोलाइट व्यवहार करना चाहिए और राजनीतिक तरीके से, यानी कि एक राजनीतिक तरीके से हमको काम निकालना चाहिए। डेविड इनवाइट यूरिया हीप टू हिज रूम फॉर कॉफी टू मेक हिम फील कंफर्टेबल। डेविड अब थोड़ा सा दिमाग से काम लेते हैं और वो क्या करते हैं कि वो यूरिया हीप को अपने कमरे में बुलाते हैं कॉफी के लिए। ठीक है भाई, आज आओ कॉफी पीते हैं। ओके, यूरिया रिवेल्स हिम ग्रोइंग सेंस ऑफ पावर एंड कंट्रोल ओवर मिस्टर विकफील्ड एंड इवन कन्फाइंड दैट ही लव्स एग्नेस वुड लाइक टू मैरी हर। यूरिया हीप डेविड से बहुत कुछ बातें करता है और उसी दौरान जो है बात करने के दौरान वो डेविड से ये भी बताता है अपने काफी बिजनेस के बारे में बताता है। बिजनेस के बारे में बताने के बाद वो ये भी बताता है कि वो एग्नेस से वो लव करता है, प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। यूरिया स्पेंड्स द नाइट इन डेविड्स रूम, वो डेविड के साथ ही पूरी रात वो गुजरता है।
एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द यूरिया हीप हैज लेफ्ट, उसके अगले दिन यूरिया हीप वहां से चला जाता है. डेविड टेल मिस्टर क्रूप द लैंडलेडी, एक लैंडलेडी, लैंडलेडी का मतलब समझते हैं आप लोग, लैंडलेडी का मतलब होता है जमींदार, जहां पे वो डेविड रहते हैं, जिस मकान में मिस्टर क्रूप से वो बोलते हैं टू लीव द विंडो ओपन, दरवाजा खुला रखना, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ मेरे आने तक दरवाजा तुम खुला रखना, डेट माई सिटिंग रूम माइट बी एयर्ड एंड प्योर, ताकि मेरा जो सिटिंग रूम है वो हवा से बिल्कुल एकदम प्योर्ड रहे. ऑफ हिज प्रेजेंस वन डे मिस्टर स्पिनलो इनवाइट डेविड टू कम ओवर फॉर ए विजिट, एक दिन मिस्टर स्पिनलो डेविड को इनवाइट करते हैं घूमने के लिए कि ठीक है भाई बहुत दिन, ज्यादा दिन हो गया मेरे घर आए हुए, आकर के मेरे घर थोड़ा सा घूम जाओ. वेयर ही इज इंट्रोड्यूस्ड टू हिज डॉटर, और वहीं पे वो अपनी बेटी से मुलाकात कराते हैं, अपने घर पे उन्होंने बुलाया स्पिनलो ने और अपनी बेटी से मुलाकात करे जिसका नाम होता है डोरा. ही इज इमिडिएटली अट्रैक्टेड टू हर, उनको देखते ही एकदम बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते हैं, गजब है भाई, देखते ही उन तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं. ऑल वाज ओवर इन ए मोमेंट, सब कुछ एकदम सब कुछ खत्म हो जाता है एक मिनट में. आई हैड फुलफिल्ड माई डेस्टिनी, अंदर ही अंदर वो एक इच्छा जाहिर करते हैं. आई वॉज ए कैप्टिव एंड ए स्लेव, आई लव डोरा स्पिनलो टू डिस्ट्रक्शन, और वो डोरा से प्रेम करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं. ओके आगे देखते हैं. डेविड लिव्स इन ए ट्रेस अबाउट डोरा एंड बाई वेस्टकोट, और डेविड क्या करते हैं डोरा के लिए एक वेस्टकोट खरीदते हैं, बढ़िया से एक कोट खरीदते हैं. नॉट फॉर माई सेल्फ एंड नो प्राइड इन देम फॉर डोरा. ओके डेविड फाइंड दैट मिस मर्डरस्टोन इज सर्विंग एज ए कंपेनियन डोरा इन द स्पिनलो हाउस होल्ड. ही इज इनिशियली फियर दैट मिस्टर मर्डरस्टोन वुड कम टू come in the way of his relationship with Dora, but they agree to keep their past association a secret. Okay, David को ये इस बात को लेकर के थोड़ा बहुत उनके मन में डर रहता है कि अगर मिस्टर मर्डरस्टोन इसके बारे में जानेंगे, हम लोग के रिलेशन के बारे में जानेंगे, तो वो इंटरफेयर करेंगे हमारे और डोरा के बीच में, और वो एक हाउस होल्ड, शायद वो हाउस होल्ड मतलब एक गृहिणी, शायद वो ठीक तरीके से नहीं बन पाएगी. और लेकिन फिर भी बाद में क्या होता है, वो ही ऑल्सो लर्न फ्रॉम मिस्टर मर्डरस्टोन दैट डोरा डज नॉट लाइक हर, इन फैक्ट सी ओनली लव्स हर डॉग एंड शीप. एक्चुअली क्या होता है कि डोरा जो होती है एक अमीर घर की लड़की होती है, और वो सबसे ज्यादा वो अपने डॉग और अपने जीप से प्यार करती है, बाकी किसी से प्रेम वो नहीं करती है. ये बात उनके स्टेप फादर, उनके सौतेले पिता मर्डरस्टोन बताते हैं डेविड कॉपरफील्ड को. मीनवाइल डेविड विजिट हिज ओल्ड स्कूल फ्रेंड टॉमी ट्रेडल्स, हु लिव्स इन ए पुअर वर्किंग क्लास डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैमडन टाउन वेयर गार्बेज एंड जंक कटर इन द स्ट्रीट. इसी दौरान डेविड जो है अपने पुराने स्कूल के दोस्त टॉमी ट्रेडल से मिलते हैं, जो अभी एक पुअर एक सिटी में रह रहे हैं, जहाँ पे कैमडन टाउन जो है सबसे खराब जगह है, जहाँ के गलियों में कूड़े कचड़े बिखरे हुए हैं. टॉमी ट्रेडल्स बोलते हैं आगे, ट्रेडल्स टेल्स डेविड ऑफ हाउ ही गॉट इनटू ए लॉ फर्म आफ्टर लीविंग स्कूल. वो बताते हैं कि किस प्रकार से स्कूल छोड़ने के बाद एक कानून में फंस करके, एंड दैट ही इज एंगेज्ड टू बी मैरिड टू वन ऑफ 10 डॉटर ऑफ ए क्यूरेट इन डेवनशायर. क्यूरेट डांसर की 10 बेटियों में से मुझे एक से शादी करना पड़ा एक कानून में फंस करके. ओके ही इज ऑल्सो सरप्राइज टू लर्न दैट ट्रेडल्स लैंड लॉर्ड इज मिस्टर मिकावर, हु इज स्टिल वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न ऑफ. उनके जो लैंड लॉर्ड होते हैं, जो जमींदार होते हैं मिस्टर मिकावर, उनके बारे में जान करके इनको और आश्चर्य होता है कि वो अभी भी कुछ नया होने का इंतजार कर रहे होते हैं. लेकिन एक दिन क्या होता है कि डेविड इनवाइट द मिकावर टू डिनर, डेविड मिकावर को डिनर पे इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं. द कन्वर्सेशन एट द डिनर टेबल टर्न ऑन व्हाट मिस्टर मिकावर वाज डूइंग. टेबल पर कन्वर्सेशन के दौरान, बातचीत करने के दौरान डेविड मिस्टर मिकावर से पूछते हैं कि क्या चल रहा है आजकल. ही इज इन द करंट बिजनेस, बताते हैं कि करंट यानी अनाज का व्यवसाय चल रहा है. एंड डैड ही शुड एडवर्टाइज ही टेनेंट टू इम्प्रूव हिज प्रोस्पेक्ट. डेविड ये भी बताते हैं कि आप अपने व्यवसाय को इम्प्रूव करने के लिए, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रचार प्रसार करना चाहिए.
स्ट्रैटफोर्ड कम डाउन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. स्ट्रैटफोर्ड ऑक्सफोर्ड से आता है. ही सेज ही हैड कम फ्रॉम एयरमाउथ, और वो बताता है कि वो एयरमाउथ से आ रहा है. एंड हैड ए लेटर फ्रॉम पेगुटी, और वो पेगुटी का एक पत्र देता है डेविड को, हु सेज डेट बार्किज ग्रेवली, और बताते हैं स्ट्रैटफोर्ड कि बार्किज जो है बहुत गंभीर रूप से बीमार है. डेविड डिसाइड टू गो टू पेगुटीज. डेविड जो है पेगुटी के यहाँ यानी एयरमाउथ जाने के लिए वो निर्णय लेते हैं. बट स्ट्रैटफोर्ड परस्यूड हिम टू स्पेंड द नेक्स्ट डे एट हिज होम बिफोर गोइंग टू एयरमाउथ. लेकिन स्ट्रैटफोर्ड उनको काफी समझाते हैं कि आप मेरे यहाँ आज रात को रुक जाइए, कल आप सुबह में एयरमाउथ के लिए आप निकल जाइएगा. डेविड मान जाते हैं स्ट्रैटफोर्ड के घर रुकने के लिए, और वो स्ट्रैटफोर्ड के घर जाते हैं. घर जाने के बाद जो है क्या होता है, डेविड इज रिसीव्ड वार्मली एट द एयरमाउथ रेजिडेंस, स्ट्रैटफोर्ड रेजिडेंस. वहां पे जाने के बाद क्या होता है, डेविड का काफी गर्मजोशी के साथ स्ट्रैटफोर्ड के घर पे स्वागत किया जाता है. बट समथिंग मेक हिम बिगिन टू सस्पेक्ट स्ट्रैटफोर्ड. लेकिन कुछ चीजें जो है स्ट्रैटफोर्ड के प्रति जो है उनको सस्पेक्ट करती है, संदेह उनको लगता है, कुछ ना कुछ लगता है कि गलती है. ओके, बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पे जाने से पहले स्ट्रैटफोर्ड टेल्स डेविड दैट शुड समथिंग सेपरेट हिम. बिस्तर पर जाने से पहले डेविड स्ट्रैटफोर्ड डेविड से बोलते हैं कि कुछ चीजें जो है उनको अलग कर रहा है. थिंक ऑफ मी एट माई बेस्ट, मेरे बारे में सबसे अच्छा सोचने की सोची. इन रिट्रोस्पेक्ट ही रियलाइज ही वुड नेवर सी स्ट्रैटफोर्ड एज ए फ्रेंड. उनको रियलाइज होता है कि डेविड को कि अब स्ट्रैटफोर्ड को एज ए फ्रेंड उनको देखना नहीं चाहते. नेवर मोर वन ऑफ ओ गॉड फॉरगिव यू स्ट्रैटफोर्ड टू टच दैट पैसिव हैंड इन लव एंड फ्रेंडशिप नेवर नेवर मोर. व्हेन डेविड फाइनली अराइव टू एयरमाउथ ही इज टोल्ड दैट बार्की इज अ डाय. वहां से क्या होता है, फिर वो वहां से वो निकल जाते हैं एयरमाउथ के लिए. एयरमाउथ के लिए जब वहां से निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि बार्की जो है अब मरने वाला है. ओके, ही इज टेकन इनटू बार्कीज हु ओपन्स हिज आई फॉर द लास्ट टाइम एंड सीज. और उनको लेकर के जाया जाता है बार्कीज के पास में, तो बार्कीज अपने लास्ट पल में लास्ट क्षण में अपने आंखें वो खोलते हैं और कहते हैं बार्कीज इज विलिंग, बार्कीज की इच्छा है एंड गोज आउट विद द टाइड. उनकी आखिरी इच्छा क्या है बार्कीज का, उस मौत के तूफान के साथ चल देना है. ये था आपका चैप्टर नंबर 21 से लेकर के 30 तक. अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और भी वीडियोस मैं आप लोगों को के साथ में शेयर कर सकूं. चूंकि एग्जाम नजदीक आया है तो मैं जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं, ताकि आप लोगों का एग्जाम बढ़िया तरह से तैयारी हो सके एग्जाम का. और फ्रेंड आगे वाला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.